करने वाला प्रभाव। तो गुण अपने स्वरूप में सम विषम मध्यस्थ क्रिया और प्रवृत्तियां हैं। तो एक क्रिया और प्रवृत्ति की बात जैसे अपनी हो गई थी पहले चैप्टर में, मतलब सुबह के सेशन में, तो प्रक्रिया, तो क्रियाएं जो हैं प्रक्रिया उनके सम्मिलित स्वरूप को कह रहे हैं, प्रवृत्तियों को, प्रवृत्तियां उनके सम्मिलित स्वरूप को। तो गुण अपने स्वरूप में सम विषम मध्यस्थ क्रिया और प्रवृत्तियां हैं, इनके फल परिणाम के आधार पर यह आकलित होती है। किस आधार पर उनको बोलते हैं, इनसे फलन क्या निकला, तो सम विषम मध्यस्थ के आधार पर, किस आधार पर उनका वर्गीकरण होगा, उनके फल और परिणाम के आधार। जैसे सृजनकारी संयोजन क्रियाकलाप सम प्रवृत्ति के नाम से इंगित कराया गया। तो जब इनका प्रभाव सृजन के रूप में होता है तो सम प्रवृत्ति, और विभव कार्य के विपरीत, जैसे जो जो बना हुआ रहना है उसके विपरीत यदि विघटन हो जाए, विध्वंसकारी क्रियाकलाप हो जाए, तो ऐसी प्रवृत्ति को विषम कहा गया। जिस योग संयोग विधि से जितनी भी रचनाएं बनती हैं उनको बनाए रखने में किया गया प्रवृत्ति और कार्यों को मध्यस्थ नाम दिया गया। तो मध्यस्थ पर किसको कह रहे, जिस योग संयोग विधि से जितनी भी रचनाएं बनती हैं उनको बनाए रखने में किया गया प्रवृत्ति और कार्यों को मध्यस्थ। जैसे किसी भी एक समय में, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो जो उसके शरीर में जो विकास हो रहा है, शरीर जो बड़ा हो रहा है, इसको कहेंगे सम क्रिया, है ना। फिर एक एक एज के बाद, लगभग 18-20 साल के बाद आप पाओगे, और 60-70 साल की उम्र तक उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, वो अपने को बनाए रखता है, विभव, है ना, इसको कह रहे हैं मध्यस्थ क्रिया। और फिर उसमें विघटन होना शुरू हो जाता है, उसको कह रहे हैं विषम क्रिया शुरू। इस तरह से किसी भी पेड़ पौधे में एक टाइम में वो सम क्रिया होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एक समय के बाद वो बना रहता है बहुत लंबे समय तक, और फिर विरचना का काम होता है। इस अर्थ में सम विषम और मध्यस्थ को देखा जा रहा है, कहा जा रहा है। हर क्रिया स्थिति व गति स्वरूप को प्रकट करता ही है, तो स्थिति भी रहती है और गति भी बनी रहती है। हर क्रिया के मूल में प्रवृत्तियां होना स्वाभाविक है, किसी प्रवृत्ति के आधार पर ही क्रियाएं होती हैं। हर प्रवर्तन हर इकाई में परस्पर पहचानने के आधार पर गतिशील, और जो भी प्रवर्तन होता है, जो भी परिवर्तन आता है, जो भी चेंजेज आते हैं हर इकाई में, वो परस्पर पहचानने के आधार पर ही गतिशील हैं और प्रकट हैं। इसको हर अवस्था में, हर पद में, हर यथास्थिति, हर इकाई में पहचानने की प्रवृत्ति, पहचानने और निर्वाह करने के आधार पर प्रवर्तन, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम, और जानने के आधार पर जागृति घटित होना पाया जाता है। तो इन सब पहचानने के क्रम में, पहचान और निर्वाह करने के क्रम में, अर्थात पदार्थ अवस्था एक दूसरे को पहचानना, निर्वाह करते करते पदार्थ समृद्ध हो जाता है, और फिर नया प्रवर्तन होता है, प्राण अवस्था का प्रकटन होता है। ऐसे ही आपस में जब वो पहचानते निर्वाह करते करते, जो हमने अब देखा था कि प्राण अवस्था, वनस्पति और उन्नयन की ओर बढ़ती रहती हैं, और फिर उत्सव के रूप में नई ना जीव रचना को घटित होती है, या समृद्ध मेधस घटित होता है। तो इस तरह से इसी क्रम में ये जो प्रवर्तन हो रहा है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम, और जानने के आधार पर जागृति होना पाया जाता है। इसी आधार पर हर इकाई का निश्चित आवश्यकता त्वा के रूप में स्पष्ट होता है, और हर इकाई का एक निश्चित त्वा माने उनका एक स्वभाव दिखाई दे रहा है, मौलिकता दिखाई दे रही है, आचरण दिखाई दे रहा है। परिवर्तन के आधार पर ही आवश्यकता स्पष्ट होना स्वाभाविक है। इस प्रकार आवश्यक परिवर्तन, आवश्यक पहचानना, इस क्रम में परस्पर पहचान होता है। त्वा सहित व्यवस्था क्रम में ही पहचान है। तो पहचानने का आधार पहले भी चर्चा हुई, क्योंकि हम लोहे को पहचान पाते हैं, सोने को पहचान पाते हैं, गाय को पहचान पाते हैं, आम नीम को पहचान पाते हैं, क्यों, क्योंकि व्यवस्था क्रम में निश्चित आचरण त्वा सहित, एक आचरण उसकी मौलिकता और उसकी व्यवस्था में भागीदारी, ये दो चीजों के आधार पर हम पहचान पाते हैं। एक दूसरे के इस प्रकार पहचान के क्रम में रहस्य से मुक्त होना पाया जाता है, और चूंकि निश्चित आचरण रहता है इसलिए अब कोई रहस्य नहीं रहता उसमें, है ना। ये जो अनिश्चित आचरण ही आदमी के लिए रहस्य है,
क्योंकि कब क्या कर देता है पता नहीं चलता, इसी का नाम रहस्य है। यहां पर उसको स्पष्ट कर दिया कि रहस्य का कारण भ्रम ही है, ना समझी ही है, और समझ में आने से भ्रम मुक्ति या रहस्य मुक्ति हो जाती है, अर्थात हमारा आचरण निश्चितता की तरफ चल देता है। इन इकाइयों के संबंध में अज्ञात नाम की चीज नहीं रह जाती है, ना रहस्य मुक्त हो गया तो फिर अज्ञात कुछ नहीं बचता है। अध्ययन काल में इस मुद्दे पर शंका कर सकते हैं, ना जब तक अध्ययन कर रहे हैं तब तक शंका हो सकती है, लेकिन जैसे ही अध्ययन पूरा होता है या अनुभव होता है तब अज्ञात नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, अर्थात रहस्य नहीं रह जाता। अध्ययन करते समय तक रहस्य या उसी का नाम शंका कर सकते हैं। कैसे शंका कर सकते हैं कि भैया प्रत्येक एक एक को कहां तक परीक्षण किया जाए, और विज्ञान कहता ही है ना कि वी आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, या ह्यूमन बीइंग इज लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, हम तो स्टूडेंट ही हैं। अरे भैया जिंदगी भर स्टूडेंट ही बने रहोगे तो फिर जियोगे कब ना, तो किसी समय हम टीचर मतलब अध्ययन पूरा हुआ तो जीने की रास्ता शुरू होना है कि नहीं। तो बाबा ये कह रहे कि अध्ययन काल में ये हो सकता है कि इस मुद्दे पर शंका कर सकते हैं कि प्रत्येक एक एक को कहां तक परीक्षण किया जाए। जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण है और यही इस पूरे बांग में की खूबसूरती है, देखो कितना अच्छे से उदाहरण दे रहे हैं अब। जैसे समुद्री जल को कब तक एक एक बूंद को परीक्षण करते रहें, आप कोई पूछ सकता है भैया समुद्र का ना था समुद्र है, कब तक हम एक एक बूंद को अध्ययन करते रहेंगे, तो अध्ययन पूरा होगा ही नहीं, और अध्ययन पूरा नहीं होगा तो कब अब हम ज्ञान संपन्न कब होंगे और फिर जियेंगे कब, है ना, ऐसी शंका हो सकती है अध्ययन क्रम। और जब अध्ययन पूरा नहीं होगा तो रहस्य बना रहेगा कि अध्ययन पूरा ही नहीं हुआ, अर्थात रहस्य बना हुआ, शंका बनी हुई है। तो उदाहरण ले रहे हैं बहुत ही सिंपल, जैसे समुद्री जल को कब तक एक एक बूंद को परीक्षण करते रहें, कब तक एक एक परमाणु को परीक्षण करते रहें, इसी प्रकार कब तक प्राण अवस्था की एक एक इकाई को देखते रहें, जीव अवस्था की अभी तो बहुत सारी छूट गई है ना, अभी तो पता लगा ये वाला मच्छर के इस वाली वेराइटी का अध्ययन ही नहीं किया, ये वाले कीट पतंग का अध्ययन ही नहीं हुआ, ये वाले बैक्टीरिया का अध्ययन ही नहीं किया, तो कब तक प्राण अवस्था जीव अवस्था ज्ञान अवस्था की एक एक इकाई को अध्ययन करते रहेंगे, हाँ ऐसा एक सवाल बन रहा है। बढ़िया, क्योंकि रहस्य मुक्त तो सबके बारे में होना है, का परीक्षण क्या इस ढंग से कोई पार भी पाएगा, कभी पहुंचेंगे भी, कभी हम समझ भी कभी कह भी पाएंगे कि अब मैं सबको समझ गया और रहस्य मुक्त हो गया, इतनी सारी चीजें हैं कैसे पहचानेंगे। अब उसका उत्तर कर रहे हैं, इसके उत्तर में इन तथ्यों को इस प्रकार समझा चुके हैं कि हर यथा स्थिति हर अवस्था और पद सोपानवत एक से एक जुड़ी हुई है, क्रम से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे पदार्थ अवस्था विकास क्रम में अनेक यथा स्थितियों से होते हुए, क्या अनेक यथा स्थितियां हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो अपन ने जीवन एक परमाणु के सत्र में पूरी जो पीरियडिक टेबल है ना, तो कई यथा स्थितियां हैं, अनेक यथा स्थितियों से होते हुए रूप गुण स्वभाव धर्म को व्याख्यायित करना छोटे से छोटे बड़े से बड़े भौतिक वस्तु के लिए व्यवस्था संपन्न हो गया है। तो इन यथास्थितियों को कैसे हम पहचान सकते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर, यथा आकार आयतन घन से रूप, सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुण, संगठन विघटन के रूप में स्वभाव, और अस्तित्व रूप में धर्म को समझा चुके हैं। तो पदार्थ का कह रहे हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं, ऐसे तो एक 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 परमाणु को पहचानने की बजाय क्या हो रहा है, उनको उनके रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर पहचान सकते हैं। तो पदार्थ का जब वर्गीकरण करेंगे विश्लेषण करेंगे तो ये समझ में आता है आकार आयतन घन से उनका रूप है, सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुण है, संगठन विघटन के रूप में स्वभाव है, और बने रहने के अर्थ में धर्म को समझा चुके हैं। इससे पता चलता है, बहुत ही सुंदर सेंटेंस, इससे पता चलता है कि सिंधु के एक बिंदु को परीक्षण करने मात्र से संपूर्ण सिंधु के पानी को हम समझ चुके होते हैं। क्या ब्यूटीफुल बात है, और अध्ययन विधि इसी प्रकार सार्थक हो पाता है। तो ये पूरी संभावना है कि हर चीज को जाना जा सकता है। अब हम हर एक कीट पतंग को, हर एक वनस्पति को, हर एक जीव जंतु को नहीं जानेंगे, है ना, हर एक मानव का अध्ययन नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, उनके रूप गुण स्वभाव का अध्ययन करने से, जिस तरह से सागर में
पानी के एक बूंद का ठीक से अध्ययन कर लेने से पूरे समुद्र का अध्ययन हो जाता है। इस ढंग से हम अध्ययन विधि से पार पा जाते हैं। इस ढंग से हम सब कुछ को समझ सकते हैं और रहस्य मुक्त हो सकते हैं। अब बात आती है जीने के लिए, है ना, जीने के लिए जो जीना, जीने के लिए जो और डिटेलिंग चाहिए होती है, अर्थात हमें स्टील बनाना है, हमें घर बनाना है, हमें, है ना, साइकिल बनानी है, उसके लिए हमें चीजों को, तो उतनी विधा में हम पारंगतता को पा सकते हैं। तो और जीने के लिए हमें सभी चीजों की जरूरत नहीं है, कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, उनको डिटेलिंग में किया जा सकता है और इनको सार रूप में समझा जा सकता है। इस तरह से रहस्य मुक्ति हो जाती है। उक्त प्रकार से जैसा ऊपर बताया उसी तरह से प्राण अवस्था का भी अध्ययन, यथा आकार आयतन घन के रूप में रूप, स्तंभ सम मध्यस्थ के रूप में गुण, तारक मारक के रूप में स्वभाव और अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म होना समझा। तो अपने को समझ में आ गया। अब आपको गुलाब के फूल का, नीम का, आम का, बेल का, ऐसे हजारों प्राण अवस्था पूरी समझ में आ गई। अब यदि हमें नीम का पेड़ अपने घर के पास लगाना है तो नीम के बारे में ठीक से समझ सकते हैं, है ना। इसके आगे इसी तरह से जीव अवस्था में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप होते हुए कुछ जीवों में यह प्रमाणित हुआ है, इसके स्पष्टीकरण में सप्त धातुओं से रचित शरीर, समृद्ध मेधस तंत्र और मानव के निर्देश संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता संपन्न जीवों में जीवन का होना प्रमाणित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका शायद ध्यान गया होगा। अब क्या कह रहे हैं कि इसके आगे जीव अवस्था में हम जीवन और शरीर संयुक्त रूप में होते हुए कुछ जीवों में प्रमाणित होता है। तो सभी जीवों में जीवन नहीं रहता है ना। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसी अध्ययन क्रम में साधन भाई का जो है ना, ये जो जीवन के बारे में स्पष्टीकरण था उसको अच्छे से देखेंगे। उसमें बहुत अच्छे से आया है क्या कि हर, तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि हर जीव अवस्था की इकाई में जीवन नहीं है, है ना। जैसे मच्छर में, मक्खी में, है ना, इन सब में जीवन नहीं है। तो जीवन कहाँ है? जीवन होने के लिए समृद्ध मेधस चाहिए, सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर। तो इसी को लिख रहे हैं कि इसके आगे जीव अवस्था में जीवन और शरीर संयुक्त रूप होते हुए कुछ जीवों में प्रमाणित हुआ है। इसके स्पष्टीकरण में कैसे पता लगाएंगे कि कौन से जीव शरीरों में जीवन है और कौन से में नहीं है? इसके स्पष्टीकरण में तीन चीजों की बात कर रहे हैं। ये तीन चीजें यदि पाई जाती हैं तो ये पता लगता है कि इस शरीर में हमें, इसके स्पष्टीकरण में क्या क्या तीन चीजें, एक तो सप्त धातुओं से रचित शरीर, दूसरा समृद्ध मेधस तंत्र, मेधस ब्रेन, समृद्ध ब्रेन, और मानव के निर्देश संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता संपन्न जीवों में जीवन का प्रमाणित होना प्रमाणित होता है। तो यदि ऐसे जीव हैं जिनको मानव, क्योंकि जीवन की जो ब्यूटी है वो मानने की क्रिया है, पहचानना, निर्वाह करना तो पदार्थ और प्राण अवस्था में होता ही है। तो जीवों में जो जीवन की शुरुआत है उसमें एक मानने नाम की क्रिया होती है। तो हम उसको मानने का मतलब होता है ट्रेनिंग कर पाना, ट्रेन कर पाना, है ना। जैसे हम पैरट को ट्रेन कर पाते हैं और बहुत सारी, है ना, बड़ी जो मछलियां हैं, है ना, उनको हम ट्रेन करके उनसे बहुत सारे काम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। वो एक अलग बात है कि उनको ट्रेन करने की प्रक्रिया में भय प्रलोभन प्रभावशाली रहता है। आहार के आधार पर उनको हम कुछ ना कुछ, जैसे कुत्ता भी जो ट्रेन करते हैं जिन डॉग्स को, जब वो कुछ अच्छा काम करता है, या सर्कस में आप देखेंगे, आपने ध्यान गया होगा, तो जब भी शेर कोई अच्छा काम कर देता है या हाथी, उसको तुरंत कुछ ना कुछ खाने के लिए, या पैरट भी कुछ करता है या बंदर कुछ करता है, तो उसको एक जो प्रलोभन आहार के रूप में उसको देते हैं। इस तरह से कैसे ट्रेन करते हैं। बट जहाँ पर ऐसे जीवन जिनको मानव के निर्देश संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उससे पता चलता है कि इनमें जीवन क्रियाशील है। जीवन ऐसे जीवों में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मच्छरों को ट्रेनिंग दे दें, है ना। सोम भाई बढ़िया उदाहरण देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मच्छरों को घर में ट्रेन कर दिया और कोई मेहमान आए जिसको आप चाहते हैं कि जल्दी निकल जाए, तो चार मच्छरों को बोल दिया भैया इनके ऊपर पहुंच जाओ भी, है ना। तो उससे पता लगता है कि इनको हम ट्रेन नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पर समृद्ध मेधस भी नहीं है, सप्त धातुओं से रचित शरीर भी नहीं है। ऐसे तीनों
अपन देख करके इसको निकाला जा सकता है। ऐसे जीवों में, अब ये आगे की बात कर रहे हैं, ऐसे जीवों में अब दो रूप हैं, है ना, एक तो जीवन का रूप है। तो ऐसे जीवों में, जीवन में भी आकार आयतन घन होता है ना। तो जीवन में भी आकार है, जिसको मुझे याद आ रहा है कि शायद राकेश गुप्ता जी के सेशन में आया था कि बिल्कुल वो वैसे ही आकार है कि जैसे रस्सी में, है ना, जो पुंजाकार आगे की उसमें हम आग लगा दें और फिर रस्सी को जब घुमाते हैं तो जिस तरह के अलात वक्र बनता है या वृत्त बनता है, तो मानव में भी जीवन जो है, या परिचय शिविरों में आपने देखा होगा कि शरीर जैसे है उसी के आकार में जीवन भी अपने आकार को बनाए रहता है ना? और आयतन क्यों भी ये, क्योंकि ये एक परमाणु भी स्पेस को तो घेरता ही है और इसमें भी घन है, घन का मतलब होता है घनत्व। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो है ही, वेट नहीं है जीवन का, है ना, लेकिन मास है, इसलिए इसमें घन है क्योंकि यह भी मैटर है। तो ऐसे जीवों में, जीवन में भी आकार आयतन घन होता है और शरीर में भी होता है, शरीर में तो हमें दिखता ही है। जीवन अति सूक्ष्मतम क्यों ना हो, है ना, अति सूक्ष्मतम माने परमाणु के रूप में, जीवन में भी गुण सम विषम मध्यस्थ प्रभावित रहता ही है। जैसे हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है, उसी में बात कर रहे हैं कि जीवन में भी गुण सम विषम मध्यस्थ प्रभावित रहता ही है। मानव में जीवन प्रधान है, इसीलिए शरीर का सम विषम मध्यस्थ गुण गौण हो जाता है। तो मानव की यदि बात करेंगे तो मानव में जीवन प्रधान रूप में अपने को अभिव्यक्त करता है। मानव की पहचान जीवन से, जीवन के प्रभाव से ज्यादा है, शरीर उसमें गौण है, है ना। तो आज भी जब माँ अपने बच्चे को पहचानती है तो शरीर से नहीं पहचानती, शरीर से संकेत है ना, मतलब एक के रूप में, लेकिन उसको उसके गुणों से, है ना, उसके स्वभाव से, तो जीवनगत तथ्यों से हम अपने मित्र को भी जो पहचानते हैं, है ना, ऐसे तो या अपने भाई को पहचानते हैं, तो भाई को जब से हम भाई कह रहे हैं, वो जो 3 साल का था, 2 साल का था, 1.5 साल का था, तब से अब पता लगा 40 साल का हो गया, 50 साल का, शरीर तो बहुत कुछ बदल चुका है, है ना, लेकिन हमारी जो पहचान है वो जीवन प्रधान रूप में पहचान है, शरीर प्रधान पहचान नहीं है। तो मानव में जीवन प्रधान है, इसीलिए शरीर का सम विषम मध्यस्थ गुण गौण हो जाता है। जीवों में क्यों अंतर कर रहे हैं, क्योंकि जीवों में स्वभाव और धर्म जो है वो संयुक्त रूप में होता है, क्रूरता अक्रूरता शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में स्पष्ट होती है। वहां पर क्योंकि वंशानुसंगीयता है तो जीवों में जो है वो वंश के आधार पर, मतलब शरीर के आधार पर ही वो अपने को पहचाने रहता है, जबकि मानव में शरीर गौण हो जाता है, जीवन की प्रधानता बढ़ जाती है। इसलिए इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जीवों में स्वभाव धर्म संयुक्त रूप में होता है, क्रूरता अक्रूरता शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में स्पष्ट होती है, जीने की आशा धर्म भी संयुक्त रूप में स्पष्ट होता है। संपूर्ण जीव वंशानुसंगीय विधि से व्याख्यात है, अर्थात उसमें शरीर की प्रधानता भी बनी हुई है, बल्कि शरीर की प्रधानता प्रधान रूप में बनी हुई है। इसी प्रकार आगे मानव का भी सम विषम मध्यस्थ गुणों का स्पष्टीकरण हो पाता है। मानव में, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, मानव में भी गुण सर्वाधिक मध्यस्थ के पक्ष में है। तो मानव में भी जो गुण है सर्वाधिक किस अर्थ किसके पक्ष में, मध्यस्थ के, बने रहने के पक्ष में, विभव के पक्ष में, जो स्वयं के वैभव के रूप में व्यक्त होता है, कि अपना वैभव को बनाए रखना, ये मध्यस्थ के रूप में सर्वाधिक गुण की स्वीकृतियां हैं। मानव जब तक भ्रमित रहता है तब तक स्व का होना सर्वोपरि, अन्य को गौण मानता है। तो भ्रमित अवस्था में क्या दिक्कत है, मैं ही हूं सब कुछ ना, और दूसरा गौण उसको मानता है। इस प्रवृत्ति का प्रकटन, अब ये प्रवृत्ति कैसे प्रकट होती है, द्रोह के रूप में, विद्रोह के रूप में, शोषण के रूप में, युद्ध के रूप में, सुदूर विगत से ही स्पष्ट होता है, हम लोग हिस्टोरिकली हम देखते आ रहे हैं इस बात। इसमें भी बाबा कह रहे हैं, देखिए मजेदार बात क्या है, इसमें भी स्व वैभव की ही स्वीकृति रहती है। तो ये जो मैं ही सब कुछ हूं, ये रूट में भी मेरा वैभव बना रहे, इस अर्थ में ये व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मानव में भी सर्वाधिक गुण मध्यस्थ के पक्ष में है, अपने वैभव को बनाए रखने के। और एक और मजेदार चीज आपका ध्यान गया हो तो, मानव विहार दर्शन में किसी चैप्टर में आया था
है ना, जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि मानव ऐसी गलती बस ना क्या कर रहा है, रूप गुण स्वभाव धर्म के वैभव को लगातार बनाए रखना चाहता है, जो कि अस्तित्व सहज विधि से संभव नहीं है, क्योंकि रूप का परिवर्तन है ना, बल का क्षीण होना और पद का ट्रांसफर और धन का ट्रांसफर ये होता ही है। इस अर्थ में ये इसको यही इसमें भ्रम हो रहा है, जबकि मानव का मानवीयतापूर्ण पद में स्थापित हो जाना है, माने अमानव से मानव पद में आ जाना, इस पद में अब उसका वैभव बना रहता है। तो ये जो अपेक्षा मानव की गलत नहीं है क्या, कि अपने को श्रेष्ठ मानना, अपने वैभव को बनाए रखना चाहता है, बस भ्रम बस इतनी सी गलती हुई है कि जिस जगह वो वैभव को पहचान रहा है अर्थात रूप बल पद और धन में, उसकी जगह सिर्फ दिशा परिवर्तन होनी है और मानवीयता में अपने वैभव को पहचानना। क्या बात है, मानवीयता रूप में यदि अपने वैभव को पहचान लेता है तो जो उसकी चिर अपेक्षा है कि उसका वैभव निरंतर बना रहे, वो सदा सदा बना रहेगा। इस बात पे बाबा बहुत गजब ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, बहुत ही शानदार ध्यान आकर्षण, कि उसमें ये जो भ्रमित स्थिति में अपने को श्रेष्ठ मानने का जो वैभव और दूसरों को गौण मानने का बात है, यह भी बेसिकली अपने वैभव की ही स्वीकृति है और स्ववैभव को शुभ माना रहता है, जागृति पूर्वक सर्व शुभ के साथ ही स्ववैभव के होने को के तत्व को समझ पाता है। तो क्या गजब बात हो गई, अभी ये उसको समझ में आया कि सर्व शुभ के साथ ही मेरा वैभव बना रहे, क्या बात है, सबके शुभ में ही मेरा वैभव बना हुआ है। जैसे ही ये समझ में आता है, क्योंकि भ्रम बस इससे अनभिज्ञ रहता है और जब इसमें निष्ठा हो जाती है तो जागृत हो जाता है, तब विषम गुणों से मुक्त हो जाता है, और जब तक विषम गुणों से मुक्त नहीं होता तब तक कुंठा निराशा प्रताड़ना प्रभावशील रहे। ये भी गजब का सिद्धांत है। एक तरफ मानव में कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता बस कर्म स्वतंत्रता है, कर्म स्वतंत्रता होने से गलती माने जितना उन्नति उन्नतावकाश है उतना ही अवनतावकाश भी है, और इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपना ठीक ठीक मूल्यांकन कर लो, फलतः गलती है ना अपराध नहीं करोगे और है ना दुखी और प्रताड़ित नहीं होगी। तो एक तरफ कर्म करने की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ फल भोगने की पर फल तो नियम से ही आएगा, तो फल में परतंत्रता बनी हुई है यदि हम ठीक ठीक नियमों को नहीं पहचानते हैं, तो इसीलिए हम बाध्य हैं कि हम ठीक ठीक नियमों को पहचान पाएं और या अपनी कल्पना को सच्चाइयों के साथ तदाकार होने के लिए हमारी बाध्यता बनी हुई है। जब तक विषम गुणों से मुक्त नहीं होता तब तक कुंठा निराशा प्रताड़ना प्रभावशील रहता है, इसी को मानव परंपरा दुख कहते हैं। जागृत मानव का गुण सदा सदा मध्यस्थ होना पाया जाता है। तो जो भ्रमित अवस्था में भी अपने वैभव को बनाए रखना चाह रहा था, जागृति के बाद मानव का वैभव बना ही रहता है। क्यों? क्योंकि जागृत मानव का गुण सदा सदा मध्यस्थ होना पाया जाता है। इसका सार्वभौम स्वरूप जागृत परंपरा को बनाए रखना और सार्वभौम व्यवस्था को बनाए रखना अध्ययन पूर्वक अखंड समाज सूत्र को प्रमाणित किए रखना है। तो वो कैसे व्यक्त होता है मध्यस्थता का गुण? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को बनाए व्यक्त होता है और स्वयं में मानव पद देव मानव पद दिव्य मानव पद की निरंतरता के रूप में वैभव को बनाया। यह परिवार में न्याय को प्रमाणित किए रहने के रूप में प्रकट होता है। तो सबसे मिनिमम स्थिति में क्या होता है, परिवार में न्याय को प्रमाणित किए रहने में प्रकट होता है और न्याय की निरंतरता बनी रहती है, इसलिए अपना वैभव बना रहता है। इन सभी तथ्यों को अध्ययन करने में संपूर्ण मानव के लिए शुभ समाधान सत्य का सुस्पष्ट नजरिया प्रमाणित होता है। इसी की आवश्यकता है, इसी परंपरा विधि से संपूर्ण अध्ययन समझ मानवीय गुणों से ही मानव की मौलिकता परस्पर समझ में आती है। तो मानवीय गुणों से ही उसकी मौलिकता का पता चलता है ना, तो मानवीय गुण ही एक दूसरे की परस्परता में स्नेह के रूप में, विश्वास के रूप में, ममता के रूप में ना, करुणा के रूप में, दया के रूप में, इस सब में व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार हर अवस्था हर पद में विद्यमान इकाइयों का उनके गुण स्वभाव धर्म रूप के साथ अव्यक्त रूप में प्रमाणित होती रहती है।
इनमें से मानव के अतिरिक्त सभी अवस्था और पदों में हर इकाई अपने त्वा सहित व्यवस्था के रूप में है ही। मानव भी इकाई होने के कारण संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनशीलता में नियंत्रित प्रमाणित होने के पर्यंत जागृत होने की आवश्यकता है। मानव का तात्पर्य ही है सह अस्तित्व में संपूर्ण पद अवस्था में स्थित जड़ चैतन्य प्रकृति को जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। ये मानव का तात्पर्य ही है कि वो सह अस्तित्व में हर माने सारी जड़ चैतन्य प्रकृति को जान मानता है और पहचान कर निर्वाह करता है। ये यही मानव की विशेषता है। इस विधि से मानव में अखंडता, सार्वभौमता, जीवों में सामुदायिकता। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मानव में अखंडता सार्वभौमता डिजाइन है, जीवों में सामुदायिकता का डिजाइन है, वनस्पति में जातीयता, प्रजातीयता और पदार्थ अवस्था में विकास क्रमगत अंशों के संख्या भेद से अनेक यथास्थितियां पूर्वक प्रमाणित होना पाया जाता है। तो सभी का प्रमाणित होना अपने अपने ढंग से है, अपनी अपनी स्वासहित व्यवस्था के आधार पर है। तो पदार्थ के आधार पर मानव तो है ना ऐसा ही जिएगा ऐसा नहीं है, प्राण अवस्था जैसा जिएगा वैसा भी नहीं है, जीव अवस्था जैसा जिएगा ऐसा भी नहीं है। मानव एक अलग अवस्था है जो सह अस्तित्व में संपूर्ण पद अवस्थाओं को जान करके, जान मान करके है ना अखंडता सार्वभौमता को प्रमाणित करना मानव का काम है। जीवों में सामुदायिकता को, जीवों ने सामुदायिकता को प्रमाणित किया ही है, वनस्पति ने जातीयता प्रजातीयता को और पदार्थ अवस्था ने विकासगत अंशों की संख्या भेद से अनेक यथास्थितियां पूर्वक प्रमाणित किया गया है। अस्तित्व में विविधता होते हुए भी, ये भी बहुत बढ़िया है, अस्तित्व में विविधता होते हुए भी राशि विधि उन अवस्था और पद भेद से मानव कुल पहचानने की व्यवस्था सह अस्तित्व सूत्र व्याख्या से अध्ययन है। तो अस्तित्व में इतनी विविधता होते हुए भी उनकी अवस्थाओं को उनकी मौलिकता के आधार पर, परस्पर पूरकता के आधार पर सह अस्तित्व विधि से हम पहचान पाते हैं या समझ पाते हैं, अध्ययन कम हो पाता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ कुछ कमेंट्स हैं इस पर बात कर लेते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अपने को 5 बजे तक ही चलाना है ना, उसके पहले ही यदि अपनी बात पूरी हो जाती है तो क्या बुरा, और भी अच्छा ही है। तो मैं एक बार एक क्वेरीज ले लेता हूँ ना, और पहले ही बात हो जाएगी। तो और जब तक यदि आपके कुछ और क्वेरी बनती हैं, कमेंट बनते हैं, तो ये तो बिल्कुल बात हो गई संदीप भाई की, क्या गठनपूर्ण परमाणु के सभी परिवेशी अंश 122 आचरणों में अभ्यक्त हैं। बिल्कुल ठीक है, मान तो ऐसा ही जाता है। चैतन्य परमाणु का भार बंधन मुक्त होने के प्रक्रिया जैसे बाबा जी ने समझाया था, बिल्कुल ठीक है। इसका रेफरेंस आनंद भाई टेलीग्राम पर कहीं दे देंगे तो और स्पष्टता हो जाएगी। संदीप भाई, परमाणु अंश का स्वयं में निश्चित आचरण के साथ नहीं होने पर भी परमाणु में निश्चित आचरण के लिए भागीदारी व्यक्त करता, ये बहुत गजब की बात है भाई ना। कि है ना, इसको यदि मोटे उदाहरण से देखें तो है ना, व्यक्ति परिवार में नियंत्रित हो जाता है ना, या निश्चित आचरण के साथ होने की जो संभावना बढ़ जाती है ना। तो इसको ये कह रहे हैं कि जो परमाणु अंश है स्वयं में निश्चित आचरण नहीं है, कब, जब वो अकेला है ना, लेकिन उसमें प्रवृत्ति उस समय भी पाई जा रही। तो व्यक्ति भी परिवार में वो चूंकि इसलिए निश्चित आचरण हो पाता है क्योंकि हर मानव निश्चित आचरण के साथ ही जीना चाहता है, ये मूल प्रवृत्ति तो बनी हुई है। और उसका प्रमाण जो है वो जिस तरह से परमाणु अंश वो प्रवृत्ति माने व्यवस्था में होना चाहता था, इसका प्रमाण कैसे दिया, क्योंकि जब दो परमाणु अंश आए और वो व्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो मानव क्या कर रहा है, जैसा प्रकृति में चीजें हो रही हैं उसका अध्ययन कर रहा है। तो मानव दो घटनाओं को देख रहा है संदीप भाई, पहली घटना ये देख रहा है कि जब वो अंश के रूप में है तो उसके आचरण की निश्चितता नहीं है क्योंकि वो पाया ही केवल बहुत नैनो सेकेंड्स के लिए जा रहा है,
पाया जा रहा है। तो निश्चित आचरण का मतलब है कि एक स्थिरता में पाया जाए। एक तो ये ऑब्जर्वेशन मानव कर रहा है, दूसरा मानव ये भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि दो या दो से अधिक अंश, वही अंश जब दो या दो से अधिक एक निश्चित गठन में है तो वो एक निश्चित आचरण दे रहे हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि परमाणु अंश अपने में निश्चितता को नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब साथ में है तो फिर निश्चित आचरण को दे रहा है ना, तो आचरण को व्यक्त कर रहा है। उसके बाद तो इससे पता लगता है कि उनमें जरूर है ना निश्चित प्रवृत्ति या निश्चित आचरण को व्यक्त करने की प्रवृत्ति रही होगी, इसीलिए आचरण को निश्चित व्यक्त कर पा रहा है परस्परता। बिल्कुल वैसे ही मानव भी, मैं भी प्रवृत्ति है ही, और जैसे ही मानव समझदार होता है वो सबसे पहली अभिव्यक्ति परिवार में अपने अपनी निश्चित आचरण को परिवार में भागीदारी के रूप में व्यक्त कर देता है ना। तो प्रमाण तो उसका परिवार में ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मानव पाया परिवार में ही जाता है ना, पैदा होते ही माता पिता भाई बहन बंधु बांधवों के साथ रिश्तेदारों के साथ ही जन्म लेता है। हम बोलते जरूर हैं मानव अकेला पैदा होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। मानव संबंधों में पैदा होता है ना, ये जो अकेले आए हैं अकेले जाना है ये बिल्कुल ठीक नहीं है कहना, है ना। ये हम साथ में, हम संबंधों में ही जन्म लेते हैं, संबंधों में संबंध पूर्वक ही शरीर को त्यागते हैं ना, और संस्कारित होकर के जाते हैं ना। तो ये डिजाइन है, अकेले आने जाने का नहीं, हम सहस्तित्व को नहीं पहचानते हैं तो अकेला अकेला जैसा लगता है। और इस बात को तो मैंने हमारी परंपराएं भी पहचानती हैं, हमारा संविधान भी पहचानता है सभी देशों का। बच्चा जन्म लेते ही अपने माता पिता के प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाता है ना, उसका उसका उसमें हिस्सेदारी हो जाती है, और भाव पक्ष में तो रहता ही है। अस्तित्व विधि से देखें और आज की प्रचलित परंपराओं से भी देखें, ठीक इसी तरह अनिश्चित आचरण के मानव का व्यवस्था में भागीदारी करना क्यों नहीं बनता। तो इसको बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सवाल है, मानव की डिजाइन पदार्थ की, पदार्थ के परमाणु की डिजाइन से अलग है, चेतन अवस्था की डिजाइन अलग है। इसका भी अनिश्चित आचरण, इसका भी व्यवस्था में भागीदारी बनता है लेकिन ज्ञान संपन्न होने के बाद बनता है, और ज्ञान संपन्न होने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। सिंधु बिंदु का सार ये निकला श्यामवीर भाई, इस तरह से समुद्र के एक बूंद को यदि हम ठीक से पहचान लेते हैं तो पूरा का पूरा पानी का रूप गुण स्वभाव धर्म आचरण स्पष्ट हो जाता है। तो विज्ञान में ऐसा पाया जाता है कि हम मानव, एक छोटा सा मानव और 100 साल की उम्र या 20-30 साल तक जब तक अध्ययन करता है की प्रकृति को कैसे समझेगा, ये तो इतनी विशाल प्रकृति है, इतनी गैलेक्सीज हैं, है ना। तो इस बात से ध्यान आकर्षण कराया गया, इसका सार ये निकला, जैसे भैया आप चांद पे होके देख के आ गए वहां भी वही परमाणु देखने थे, और वैसा ही मिट्टी पत्थर देखने को मिला, तो अब ये समझ में नहीं आता मार्स पे जाके क्या करोगे, है ना। या और दूसरे अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, अब इस जगह जाएंगे, अब इस ग्रह पे जाएंगे, क्या करोगे भाई। ऐसा एक देख लिया तो सिंधु बिंदु न्याय का मतलब है, एक देख लिया तो सब समझ में आ गया, है ना। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि सब कुछ को, क्योंकि संदर्भ ये था, मानव सब कुछ को समझ करके ही रहस्य मुक्त होगा। और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ कैसे समझेंगे, तो उसको बताया कि सब कुछ को समझने की विधि, है ना, इस ढंग से सिंधु बिंदु न्याय के पूर्व की जा सकती है। बहुत बढ़िया, ज्ञान को सिंधु बिंदु के रूप में सार संक्षिप्त में कहें तो के विपरीत बिंदु से सिंधु को विस्तार अभिव्यक्ति में माना जाए, बिल्कुल ठीक है। जीवन प्रमाणित होने पर शाकाहार और मांसाहार को भी वर्गीकृत करना आसान हो गया, जो मछली खाते हैं वह भी खुश हो सकते हैं। भैया ऐसा नहीं कहा जा रहा है आप प्रदीप भाई, है ना, यहाँ पर जीव, उसमें भले ही जीवन ना हो लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि जिसमें जीवन नहीं है उसको निपटा दिया जाए ना, नहीं तो फिर ऐसा बनेगा कि आदमी मर गया तो अब इसको खा सकते हैं, है ना। तो भैया मांसाहार में जो प्रवृत्ति, जो हिंसक प्रवृत्ति है, ये दूसरों को जो हिंसा पहुंचाने की प्रवृत्ति है, इसको अपन को पहचानना पड़ेगा। और ये जो जीव रचनाएं हैं ये भी किसी क्रम में हैं, तो मानव का तो जब अध्ययन करते हैं उसके शरीर का भी और उसकी प्रवृत्तियों का, तो हिंसा उसके लिए माने दिखाई, ठीक दिखाई नहीं देती। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जिनमें जीवन नहीं है उनको ढूंढ ढूंढ के खाया जाए, है ना। शाकाहार ही
मानव के लिए, मुझे जितना अनुमान लगता है, बाबा तो कह ही रहे हैं क्लियरली कि मानव के लिए तो शरीर के डिजाइन के अर्थ में भी देखें और इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में भी देखें तो शाकाहार ही ठीक आहार मानव का, तो वो जीव अवस्था में ही गिने जा रहे हैं, वो मांसाहार ही है ना, क्योंकि उसमें मांस बन रहा है, मच्छर में मांस बन रहा है ना, केकड़े में मांस बन रहा है, जीवन भले ही ना हो, है ना, इस अर्थ में वो मांसाहार है। प्राण अवस्था का विकसित रूप या जीव अवस्था का संक्रमण काल, अर्थात कीट पतंग आदि हैं जो भौतिक रासायनिक या मात्र हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए क्या है इसमें, ये हर एक में एक कनेक्टिंग लिंक है, जैसे पदार्थ से प्राण की कनेक्टिंग लिंक को अपन वायरस और बैक्टीरिया के रूप में, ऐसे ही प्राण अवस्था से जीव अवस्था की कनेक्टिंग लिंक को स्वेदस संसार के रूप में पहचानते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भौतिक रासायनिक क्रिया ही है, क्योंकि तीन ही क्रियाएं हैं, भौतिक रासायनिक और जीवन क्रिया। तो शरीर तक के विकास में सारी की सारी, चाहे वो मानव का शरीर ही क्यों हो, वहां तक समृद्ध पूर्ण मेधस रूप शरीर के बनने में जो भी कार्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक रासायनिक है, तीसरी क्रिया सिर्फ फिर जीवन क्रिया। बिल्कुल ठीक है। मानव में सम विषम मध्यस्थ गुण कौन से हैं? तो बिल्कुल मानव में जो क्रोध द्वेष ईर्ष्या जितने भी आवेशात्मक कार्यक्रम है मानव का सारा विषम है, और जितना भी मनुष्य में जो एक दूसरे के पोषण करने के अर्थ में है वो सब सम गुण है। कौन सा पोषण करने के अर्थ में? चाहे वो शरीर पोषण करने के अर्थ में हो, चाहे वो जीवन के पोषण करने के अर्थ में हो, अर्थात उसमें न्याय प्रदायी क्षमता को संपन्न करने के अर्थ में हो, या जैसे हम बच्चों का हर माता पिता हर अभिभावक अपने बच्चों का लालन पालन करता है, के शरीर का पोषण करता है, एक उम्र के बाद अपने माता पिता के शरीर के संरक्षण पोषण कार्य को निभाता है, ये सारा का सारा सम या कलाप है। ऐसे ही बच्चों को जो संस्कारित करने का काम है वो भी समकारी क्रियाकलाप है, और विषमकारी क्रियाकलाप जैसे जितना भी युद्ध है, जितना भी शोषण है, जितना भी जो द्रोह है, विद्रोह है, ईर्ष्या है, है ना, क्रोध है, हिंसा है, ये सारा का सारा हम देख सकते हैं के रूप में। और मध्यस्थ गुण की बात करेंगे तो व्यवस्था को बनाए रखना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए जो स्थापना करने में समकाम, और फिर ऐसी व्यवस्था को बनाए रखना मध्यस्थता का काम है। दैनिक व्यवहार में गुण यानी परस्परता के प्रभाव को, बिल्कुल बाबू सिंह भाई ने बिल्कुल, तो ये अपनी चर्चा हो ही गई है, तो डे टू डे में इस तरह से अपन सम विषम को और मध्यस्थ गुणों को हम देख सकते हैं। जीवन मानव शरीर के रूप में ही अपने व्यवहार को दूसरे परमाणु अंश के साथ में प्रमाणित कर सकता है, बिना मानव शरीर के जीवन का व्यवहार, जीवन परमाणु का व्यवहार ये निश्चित ही होगा, स्पष्ट करें। सवाल बहुत क्लियर नहीं पकड़ में आ रहा है, एक बार फिर पढ़ता हूँ। जीवन मानव शरीर के रूप में ही अपने व्यवहार को दूसरे परमाणु अंश, भैया मानव मानव के साथ व्यवहार कर रहा है, परमाणु अंश के साथ नहीं, प्रदीप भैया। तो जीवन मानव शरीर के रूप में ही अपने व्यवहार को दूसरे मानव के साथ प्रमाणित कर सकता है, बिना मानव शरीर के जीवन का व्यवहार जीवन परमाणु के साथ निश्चित ही होगा। नहीं भैया, ये बिल्कुल माने, देखिए शरीर को छोड़ देने से, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कार चला रहे हैं और आप ड्राइवर हैं, तो शरीर एक तरह से कार है, है ना। तो आप को कार चलानी नहीं आती और कार से उतर जाएंगे तो आप फिर अच्छी कार चलाना सीख गए, ऐसा नहीं है। माने शरीर छोड़ देने से जीवन कोई ज्ञान संपन्न नहीं हो जाता, और ना शरीर लेने से अज्ञान आ जाता है उसमें, है ना। तो शरीर ज्ञान और अज्ञान का कारण नहीं है, ऐसा पहली कुछ मान्यताओं में कहा जा रहा है। एक्चुअली हम क्या, जब जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं जो शरीर है ना, पापी पेट का सवाल, पेट वेट का सवाल नहीं है ये, भ्रमित जीवन का सवाल है, पापी पेट का सवाल नहीं है। सारी अव्यवस्था भ्रमित जीवन की वजह से है, ना कि पापी पेट की वजह से। ये पेट को दोष देना अर्थात शरीर को दोष देना ठीक नहीं है। तो जीवन यदि भ्रमित जीवन शरीर छोड़ेगा तो भ्रमित ही रहता है, और जागृत जीवन शरीर छोड़ने रहता है, ये जीवन का गुणधर्म है, है ना, शरीर के नहीं, है ना। इसलिए शरीर कोई बाधा नहीं है,
इसीलिए जागृत जीवन फिर से शरीर लेने के लिए उसको कोई बाधा नहीं है, क्योंकि शरीर कभी बाधा है ही नहीं, शरीर साधन है ना कि बाधक ना, साधक के लिए शरीर साधन है और सबसे श्रेष्ठ साधन है ये शरीर। अपने आप में कोई समस्या नहीं है, शरीर छोड़ देंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि सुसाइड कर लेने से अब समस्याएं ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। समस्या जीवन के साथ है, शरीर को छोड़ने के लिए नहीं, अपने को समझदार बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए शरीर से भागने की जरूरत नहीं है, अपने ही जीवन शक्तियों को सही दिशा निर्धारण करने के लिए प्रयासरत होने की जरूरत है। निराशा जीवन की है, शरीर के छोड़ने से निराशा कम नहीं होगी, है ना, ऐसा कोई डिजाइन नहीं दिखाई देता मेरे अनुमान में। बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। आपका इस तरह का प्रोत्साहन काफी मायने रखता है, धन्यवाद। मृत मानव को नहीं खाते इसलिए मछली में भी नहीं, जबरदस्त जवाब, धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा, इसका इससे कोई उत्तर मतलब उसके हम व्यवस्था के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, है ना। मछलियां अपनी व्यवस्था को निर्वाह कर रही हैं, एक्चुअली पूरे पानी को स्वच्छ रखने में मछलियों का बहुत बड़ा योगदान है, तो जिस उसको अपने को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। बढ़िया, धन्यवाद। बिना मानव शरीर के जीवन का व्यवहार निश्चित ही होगा, क्योंकि वह परमाणु है, वो जब शरीर के साथ है तब भी परमाणु स्वरूप में ही है। प्रदीप भैया, शरीर को छोड़ने के बाद भी परमाणु ही है, तो निश्चितता अनिश्चितता उसकी भ्रम के कारण है, अर्थात आशा विचार इच्छाएं। तो जब शरीर को छोड़ देता है तब भी उसमें भ्रमित आशा विचार इच्छा ही बना रहता है, इसीलिए ऐसे जो भ्रमित मानव शरीर छोड़ते हैं उनको यदि कर्म दर्शन में अपन ने ध्यान दिया हो, उपासना वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, तो उनको भूत प्रेत की संज्ञा दी जा रही है। और जो मानव देव मानव जब शरीर छोड़ता है तो उसको देवी देवता कह रहे हैं, अर्थात शरीर के बिना भ्रमित जीवन तो जीवन ही रहता है, वो तो अभी भी परमाणु ही है। ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट भैया प्रदीप भैया ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, कई बार ऐसा हमारा ध्यान नहीं जाता। अभी भी शरीर में आने के बाद भी जीवन एकदम शरीर से इंडिपेंडेंट बना रहता है, जैसे कार चलाते समय ड्राइवर एकदम इंडिपेंडेंट रहता है। ये जरूर बात है कि जब ड्राइवर भ्रमित होता है, अर्थात जब नई नई गाड़ी लेके आता है और सपोज पहले ही दिन शोरूम से ला रहा है और उसमें एक स्क्रैच लग जाता है ना, तो बिल्कुल उसको ऐसे लगता है जैसे स्क्रैच उसकी बॉडी पे ही लगा हो, है ना, क्योंकि वो इतना अपने को गाड़ी से आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन रहता गाड़ी से भिन्न ही है उस समय भी आदमी, है ना। तो हम कितना ही उसको भ्रमबस आइडेंटिफाइड कर लें, जीवन तो अभी भी परम, मैं जब हम और आप जब इस शरीर के साथ हैं तब भी जीवन एकदम इंडिपेंडेंट ही बना रहे, यही तो मरने के बाद थोड़ी जीवन का अमृत समझ में आएगा, हमें जीते जी जीवन का अमृत समझ में आएगा, तो तभी तो प्रमाणित करेंगे उसको, नहीं तो कैसे प्रमाणित करेंगे। तो जीवन तो परमाणु के रूप में ही है, जीते हुए भी और शरीर छोड़ने के बाद भी, शरीर लेने के पहले भी और शरीर के साथ साथ भी, है ना। तो क्या सम को बनाए रखना है या उसकी निरंतरता ही उस इकाई का स्वभाव है। सम क्या होता है बाबू भैया, एक जगह जाके जिसको बाबा ने बहुत ही गजब का सिद्धांत है, आपने बढ़िया ध्यान आकर्षण किया। बाबा ये कह रहे हैं कि हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता हो जाती है। ये सिद्धांत बहुत अजब सिद्धांत है। जैसे इस धरती पर प्राण अवस्था आने के बाद प्राण अवस्था की निरंतरता बन जाती है, जैसे माने यदि चांद पर देखें किसी समय यदि उस पर पानी आ जाए और फिर प्राण अवस्था आ जाए, तो अभी जैसे वहां पदार्थ अवस्था की निरंतरता बनी है, ऐसे ही फिर प्राण अवस्था की निरंतरता बन जाती है, फिर जीव अवस्था की निरंतरता बनती है, फिर ज्ञान अवस्था में यदि जागृत हो गए हम, जागृत परंपरा बना पाए, तो जागृति की परंपरा सदा सदा चिरकाल तक नित्य वर्तमान होकर के इस धरती पर मानव बना रहेगा। तो सम को बनाए रखना या उनकी निरंतरता ही उस इकाई का स्वभाव नहीं है, बल्कि सम के बाद हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जो पूर्णता की स्थिति है, और फिर उस पूर्णता का बना रहना या उसको बनाए रखना वो उसको विभव की स्थिति कह रहे हैं, उसको मध्यस्थता की स्थिति कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिभा बहन कह रही क्या मेरा पूछना यह था कि सब में ही जीवन परमाणु है। बिल्कुल, हम सभी में जीवन परमाणु है, तो सब में एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन परमाणु है तो
कठिन के रूप में एक जैसा है, लेकिन अब इसमें जो जागृति क्रम है अर्थात कल्पनाशीलता और जो कर्म स्वतंत्रता है, तो ये इस तरह का जीवन परमाणु है जो अब जब इसकी कल्पनाशीलता सच्चाई से तदाकार होती है तब इसका जाकर के एक जैसा आचरण हो जाता है। तो मेरा आपका हम सभी का या जितने भी मानव समझदार हो जाते हैं उनमें फिर एक जैसा आचरण ही दिखाई देगा और उसी आचरण का नाम है मानवीयता पूर्ण आचरण। ना तो आपका पूछना एकदम ठीक है कि हम सब में तो जीवन एक जैसा है, लेकिन ये जो जीवन है जैसे पदार्थ अवस्था के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में ऐसा कोई घटना नहीं घटनी है कि उनको अपने आचरण को निश्चित करने के लिए समझदारी संपन्न होना है। उस अर्थ में ये जो जीवन परमाणु है जो मेरे में आप में हम सब में गठन के रूप में एक जैसा है, लेकिन मेरा और आपका और लोगों का जीवन परमाणु अध्ययन क्रम में, अध्ययन से पहले और अध्ययन क्रम में या भ्रमित अवस्था में अलग अलग स्थितियों में रहता है ना, उसी को अचेतन उनकी कैटेगरीज बताई थी। यदि आपने रहस्य मुक्ति में श्री राम भाई को सुना हो या फिर से एक बार देखें, है ना, 5 स्थितियां बताई थी, अचेतन, अल्पचेतन, अर्धचेतन, चेतन और पूर्ण चेतन, है ना। या इसी में अपन देखें तो यदि 3 5 कैटेगरी में जब अपन कह रहे हैं तो पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव और दिव्य मानव, है ना। तो इस तरह से जब तक हम मानव पद में नहीं आते हैं तब तक हमारे में आचरण की समानता नहीं मिलती, क्योंकि ये जड़ परमाणु से अलग परमाणु है। इसमें विभिन्नता का जो विलय होना है वो ज्ञान के साथ ही एक रूपता इसमें आती है। तो इसी आधार पर सब में एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं है, तो क्योंकि सभी में अभी ज्ञान संपन्नता जब तक नहीं होती है तब तक अलग अलग व्यवहार दिखाई, है ना। और ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि किसी को लगता है भ्रम बस वो रूप से सुखी हो जाएगा, किसी को लगता है कि पद पाने से सुखी हो जाएगा, तो एक व्यक्ति रूप के लिए दौड़ता है ब्यूटी पार्लर पर, तो दूसरा पद के लिए दौड़ता है लोगों को ये बताने के लिए मैं अच्छा हूँ मुझे वोट करो, है ना। ऐसे ही मैं 2 उदाहरण लिया, ऐसे अपन अनंत उदाहरण, क्योंकि गलती में अनेक हैं और सही में एक है ऐसा समझ में आता है। भैया क्या एक प्रजाति की वनस्पति में सारक मारक दोनों स्वभाव होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, एक ही तरह की वनस्पति किसी एक के लिए सारक, वही वनस्पति किसी के लिए मारक। तो हो सकता है नीम का जूस आपके लिए पुष्टिदायक हो और मेरे लिए वो पेट में एसिडिटी करा सकता है। तो स्वभाव का मतलब ही है, दोनों पाए जाते हैं एक ही प्रजाति की वनस्पति। क्या एक प्रकार की वनस्पति सारक? नहीं, एक प्रकार की सारक और दूसरी मारक नहीं है, एक ही तरह की, बल्कि उसी में अपने लिए भी सारक मारक दोनों होते हैं, क्योंकि आम का पेड़ स्वयं एक समय में सारक गुण के साथ अपने को बड़ा करता है, उसके बाद बनाए रखता है और फिर रचना हो जाती है। तो पर अभी तक कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता इन दो का आचरण मानवीय है, ये ठीक है, है ना, कोई कहे या नहीं कहे इससे सच्चाई, जैसे एक समय था जब कोई भी ये नहीं कहता था, या बल्कि सब यही कहते थे कि धरती चपटी है गोल नहीं है, है ना। ऐसा व्यक्ति इस सच्चाई को नहीं समझ पाने से सच्चाइयां नहीं बदलती, है ना। एक समय था जब हम इसी पे लड़ते थे, कोई कहता था पृथ्वी शेषनाग पे खड़ी है, तो कोई कहता था किसी के उंगली पे खड़ी है, तो कोई कहता था किसी ने इसको अपने सिर पर उठाया हुआ है, है ना। तो ऐसा कहने मात्र से अर्थात मानव सच्चाइयों को नहीं समझ पाने मात्र से सच्चाइयां नहीं बदलती, तो सच्चाइयां तो अपनी जगह बनी रहती हैं, है ना। तो हम दो व्यक्ति कभी ये नहीं कह पा रहे हैं, मान लो आज की स्थिति में, कि पहले मान लो एक भी नहीं कह पाता था, उसके बावजूद भी सच्चाई अपनी जगह स्थिर है, ना, वो नहीं बदलती है, है ना। तो इसको अपने को देखना चाहिए, क्योंकि सच्चाइयां डेमोक्रेसी से नहीं चलती हैं, वॉयस वोट से सच्चाइयों पर वोटिंग करके सच्चाइयों को नहीं पता लगाया जा सकता। तो मैं कह रहा था कि जब फ्रॉयड जो अध्ययन करता है तो फिर तो सच्चाई यदि संख्यावाद से चलेगी तो यही निकल के आता है कि गुस्सा करना मानवीय स्वभाव है, हा? तो सच्चाई या तो अनुभव मूलक विधि से या कोई उसको अनुसंधान पूर्वक पहचानता है, दूसरों तक जब संप्रेषित करता है वह भी उसको तर्कसंगत पाता है और
उस क्रम में उस बात को पहचान करके जी के प्रकट करता है। बिल्कुल, तो ये जो भौतिक भौतिक वस्तु, जीवन वस्तु भी एक माने भौतिक रासायनिक से एक जीवन वस्तु है, ठीक है, ये भौतिक चीज है और ये मानवीय स्वभाव की बात है। नियम तो दोनों पे एक जैसे ही लागू हो रहे हैं प्रतिभावें ना, और अपने और आपके पास, हम सबके पास च्वाइस ही है। अभी ये जो प्रस्ताव है इसको हम मान लें सच्चाई के रूप में, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इसको तो जांचना पड़ेगा, अपने में ही जांचना पड़ेगा। आप ही जांच के देखिए, आपको यदि आपको गुस्सा आता है, आपको द्वेष हो जाता है, आपको राग हो जाता है, या आप कभी कभी जब ममता पूर्वक विश्वास पूर्वक जीते हैं, तो किन स्थितियों को आप बना के रखना चाहते हैं। भले ही दुनिया वैसा ना जी रही हो, है ना, आप तो व्यवस्था ही चाहते हैं, सम्मान ही चाहते हैं। तो इन सबसे बहुत सारे उदाहरणों से हम अपने में ही कंक्लूड, देखिए बाबा की जो विशेष बात ये रही, बाबा ये कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति ही प्रमाण है, उसमें भी कौन व्यक्ति, विशेष व्यक्ति नहीं, आप और हम सब सामान्य लोग। आज भी विज्ञान की भी यही खूबी है कि हम ये कहते हैं कि न्यूटन का नियम इसलिए सही नहीं है कि न्यूटन कह रहे हैं, या पांच और वैज्ञानिक अमेरिका में या सिंगापुर में बैठे हुए लैब में एक्सपेरिमेंट करके कह रहे हैं, बल्कि उसकी सफलता ये है कि हम और आप कोई भी उस प्रयोग को करेगा ऐसे ही फल परिणाम को पाएगा, इसलिए ये नियम सही है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है इसको आप मानिए मत, इस पर अपने तर्क लगाइए, तर्क में ठीक लगता है तो जी कर देखिए, जीने में यदि आपको जो सुख रूपी चाहत है इसकी पुष्टि मिलती है, तब कोई भी जो कहा गया वो सही है, अन्यथा आप फिर से, क्योंकि आप और हम तो सुखी होना चाहते हैं, हम अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र हैं और मानव जाति करेगी ही, ऐसा दिखाई देता है कि मानव तो मूल रूप में हारमोनी में ही जीना चाहता है अपने साथ भी प्रकृति। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है अपन 7-8 मिनट पहले ही, 15 मिनट पहले पूरा कर लिए, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने अपने ढंग से प्रयास किया और मैं प्रतिभा बहन से सहमत हूँ।